कैंट थाने की पुलिस ने अभय ट्रेडर्स द्वारा धोखाधड़ी से रुपए हड़पने वाले जालसाज अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को पेडलेगंज पुलिस चौकी के आगे रामगढ़ताल के किनारे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मृत्युंजय मिश्रा पुत्र स्वर्गीय नंदलाल मिश्रा निवासी सिंधी मिल कॉलोनी प्रोफेसर लेन थाना कोतवाली जनपद देवरिया के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि आवेदक अभय प्रताप सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी बिलंदपुर थाना कैंट जिला गोरखपुर द्वारा अपनी दुकान अभय ट्रेडर्स से बीज, गेहूं, धान और कीटनाशक दवा की बिक्री 2017 से मृत्युंजय मिश्रा द्वारा किया जाता था, जो उस बीज को अपनी दुकान आदित्य एग्री क्लिनिक व आदित्य एग्रो एजेंसी पर बेचते थे तथा बेच करके अभय प्रताप सिंह द्वारा दिए गए बीज की कीमत ले आकर देते थे और बकाया भी लगाते थे। इस प्रकार जब मृत्युंजय मिश्रा का बकाया 3,50,000 रुपए हो गया तो वह बार बार पैसा मांगने पर COVID-19 का हवाला देकर हिल्ला हवाली करते रहते थे। 26 मार्च को मृत्युंजय मिश्रा अभय ट्रेडर्स पर आए और धान व सब्जी के बीज की बात करने लगे तो मेरे द्वारा मना करने पर मृत्युंजय मिश्रा ने कहा कि आप ऐसा मत करिए और 2,00,000 का चेक मैं आपको दे रहा हूँ। मृत्युंजय मिश्रा भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामपुर कारखाना का चेक ट्रेडर्स के नाम से हमको दे दिए और मेरे द्वारा 26 मार्च को 40,000 धान का बीज एवं सब्जियों का हाइब्रिड बीज उधार में ले गए और 3 अप्रैल को चेक के भुगतान हेतु भारतीय स्टेट बैंक थाना कैंट में जमा किया गया तो वहां बैंक के द्वारा खाता बंद बताया गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मृत्युंजय मिश्रा द्वारा मुझसे पैसा हड़पने के लिए जालसाजी की गई है, जिसके संबंध में कैंट थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि 2017 से अभय प्रताप सिंह के दुकान अभय ट्रेडर्स से बीज खरीद कर अपनी दुकान आदित्य एग्री क्लिनिक व आदित्य एग्रो एजेंसी पर बेचता था और पूरे बीज का पैसा खरीदते समय नहीं देता था, कुछ बकाया भी लगाता था। इस प्रकार जब मेरा बकाया 3,50,000 हो गया तो मैं इतने पैसे देने में समर्थ नहीं हो रहा था, तब मैंने अभय प्रताप सिंह को चेक के माध्यम से पैसा दे दिया जबकि वह खाता बंद था। जब वह बैंक में चेक जमा किए तब उन्होंने मेरे द्वारा किए गए धोखाधड़ी के बारे में मालूम हुआ। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक सुधांशु सिंह, कांस्टेबल चापू सुल्तान शामिल रहे। गोली का नाम फिलहाल